वारी हनुमान। अमरावती सहभाग के अकोला, बुलढाणा और अमरावती जिले की सीमा पर बसे वारी हनुमान यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यह अकोला जिले की तेल्हारा तहसील में आता है। यहाँ वर्ष भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, किंतु अनुचित स्थानों पर जाकर कई नागरिकों ने यहाँ अपने प्राण भी गंवाए हैं। यहाँ स्थित मामा भांजी की डोह बेहद खतरनाक है। हनुमान मंदिर परिसर से एक नदी बहती है। इस नदी में कुछ गहरे डोह भी है जिसमें हमेशा जल जमाव रहता है। वारी हनुमान के पास जाने के बाद कई लोग पानी में तैरने के मोह को रोक नहीं सकते। इस नदी में एक डोह मामा भांजे के नाम से पहचानी जाती है। इस डोह में अब तक पिछले 5 साल में 150 से अधिक व्यक्तियों की यहां डूबने से मृत्यु होने की जानकारी है। हमारी प्रशासन से यह विनती है कि इस मामा भांजे डोह में तैरने पर सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं हमें देखने ना मिले, क्योंकि चेतावनी देने के बावजूद यहां अनेक लोग इस कुंड में बैक ऑफ तैरते हुए पाए जाते हैं। वारी हनुमान में सुंदर वातावरण के कारण कई लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां आते हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग आदि शामिल होते हैं। चूँकि यहाँ खुला वातावरण है और कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यहाँ हर कोई सहज आ जाता है। इसी कारण यहाँ सावधानी न बरतने की वजह से हर वक्त कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इसलिए आपको यहाँ घूमते समय अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम जानते हैं वारी हनुमान मंदिर की कुछ रोचक बातें। वारी हनुमान तेल्हारा तहसील में हिवरखेड़ से थोड़ी दूरी पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है। पूरे महाराष्ट्र से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आते हैं। हनुमान सागर परियोजना तीर्थ स्थल से सटी हुई है। इसके अलावा चारों ओर यहां आसपास सतपुड़ा पहाड़ी है। यहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में समर्थ रामदास स्वामी जी ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। कहा जाता है कि मूर्ति की स्थापना सन 1600 में हुई थी। यहां समर्थ रामदास स्वामी जी का एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ हनुमान जयंती पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से महोत्सव नहीं बनाया जा सका, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए हनुमान दर्शन और पर्यटन को फिर से शुरू कर दिया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज अकोला। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।